हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। भारत में 42,982 नए कोरोना मरीज मिले, 533 लोगों की जान गई। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में भारत में 42,982 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और 533 लोगों की जान चली गई है। इस दौरान 41,726 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,18,12,114 हो गई है, तो वहीं 3,09,74,748 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और मरने वाले लोगों की कुल संख्या 4,26,290 हो गई है। 4,11,076 लोग अभी भी सक्रिय हैं। देश में अब तक 48,93,42,295 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और भारत में कुल 47,48,93,363 कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटों में 16,64,030 कोरोना टेस्ट हुए हैं। बिहार में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का ऐलान, कोचिंग संस्थानों को लेकर सरकार ने किया ये फैसला। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्यों ने स्कूलों को खोल दिया है, तो वहीं कुछ राज्यों ने इसी महीने स्कूल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसी बीच बिहार ने सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। सीएम नीतीश कुमार ने अनलॉक 5 की छूट का ऐलान किया है। इसके तहत अब बिहार में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल भी खुलेंगे और कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल भी खोले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए स्कूल 7 अगस्त से और 1ली से 8वीं तक के लिए स्कूल 16 अगस्त से खोले जाएंगे। बीजेपी को 2019-20 में मिला 785.77 करोड़ रुपए का चंदा, कांग्रेस रही बहुत पीछे। जी हां, भाजपा को चुनावी ट्रस्टों, व्यक्तियों और कॉरपोरेट सहित 5,576 दान से 785.77 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ है। 385 चंदे से 139.016 करोड़ रुपए के साथ कांग्रेस काफी पीछे थी। भाजपा को मिली राशि कांग्रेस को मिली राशि से 5 गुना अधिक है और कांग्रेस एनसीपी, माकपा, सीपी और एनआईटीसी द्वारा घोषित कुल 228.35 करोड़ रुपए से 3 गुना अधिक है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाएंगे और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने की संभावना है। यह ध्यान देने वाली बात है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत तत्काल राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद से यह राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर उनका पहला दौरा होगा। 2022 चुनाव से पहले किसने बिगाड़ा यूपी नारे के साथ चुनाव प्रचार शुरू करेगी कांग्रेस। जी हां, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने किसने बिगाड़ा यूपी के नारे के साथ सत्तारूढ़ भाजपा सरकार का मुकाबला करने के लिए 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 70,000 जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 675 प्रशिक्षण शिविर शुरू करने की योजना बनाई है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया, 41 साल बाद हासिल किया हॉकी में पदक। जी हां, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में ओलंपिक खेलों में देश के 41 साल के पदक की कमी को समाप्त कर दिया, क्योंकि मनप्रीत सिंह एंड टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर क्वाड्रेनियल इवेंट में कांस्य पदक जीता। पहले क्वार्टर में जर्मनी का दबदबा था, जहाँ उन्होंने मैच के दूसरे मिनट में गोल किया। ओडिशा के सीएम ने कहा, अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि यदि लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का ठीक ढंग से पालन नहीं किया तो ओडिशा सरकार पूर्ण तालाबंदी की घोषणा करने के लिए मजबूर हो जाएगी। कोविड-19 छूट को हल्के में न लेने की चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा कि तीसरी लहर जल्दी आ सकती है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, इसीलिए सतर्क रहें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। केंद्र कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को देगा 5 लाख रुपए का बीमा। जी हां, केंद्र सरकार ने 18 वर्ष की आयु तक के उन बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है जो कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हो गए थे। इसका उद्देश्य उन बच्चों का समर्थन करना है जिन्होंने अपने जीवित माता पिता को कोविड-19 महामारी में खो दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है।
प्रशांत किशोर ने पंजाब सीएम के प्रधान सलाहकार के पद से दिया इस्तीफा। जी हां, प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के सीएम को लिखे एक पत्र में प्रशांत किशोर ने कहा कि वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक लेना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उन्हें अपने भविष्य के बारे में फैसला करना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।